हेलो एवरीवन आई वेलकम सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से देन हमने कवर अप किया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेवनटीन हंड्रेड एटी फोर देन चार्टर एक्ट ऑफ सेवेंटी हंड्रेड नाइनटी थ्री एटीन हंड्रेड थर्टीन एटीन हंड्रेड थर्टी थ्री एटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट दैन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ एटी हंड्रेड सिक्सटी वन एटीन हंड्रेड नाइन्टी टू then Indian Council Act of 1909 that was morley reform then Government of India Act 1919 Montfort reform then Simon Commission, Communal Award, Pune Pact, Government of India Act 1935, Crips Mission, Rajaji Formula, desai Yakat Pact, Webel Plan, Anshamla Conference, Cabinet Mission, Plan Balkan or Balkan and माउंट बेटन प्लान तो हमने इतने सारे टॉपिक जो हैं कवर अप कर लिए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सो तो आपने इनमें से किसी भी वीडियो को अगर मिस किया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आपको ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो भी मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन

1947 को यह बिल जो है पास कर दिया गया था एंड जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली उन्होंने साइन कर दिया था इस बिल पे सो so यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1947 में कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का सो ही वॉज़ क्लेमेंट एटली क्यों पूछा जा सकता है ये क्योंकि भारत यहाँ पर आज़ाद हो रहा है तो उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का तो वो पूछा जाता है पूछा जा चुका है एक्चुअली तो so, ये जो बिल जो है पास कर दिया गया फिफ्थ जुलाई नाइनटीन सेवन को एंड ये एक्ट बन गया ये लॉ बन गया एटीन जुलाई नाइनटीन हंड्रेड सेवन को आफ्टर गेटिंग द रॉयल एसेंट जिस तरीके से इंडिया में कोई बिल अगर पास होता है तो वो लॉ वो एक्ट तब तक नहीं बन पाता जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता उसी तरीके से जब तक रॉयल एसेंट नहीं मिल जाता ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए बिल को तब तक वो एक्ट नहीं बन पाता है लॉ नहीं बन पाता तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पेश किया गया था बिल बनाए के ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पास हुआ फिफ्थ जुलाई को एंड वो एक्ट बना 18 जुलाई 1947 को दिस एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये जो एक्ट था ये कोई नया संविधान के लिए नहीं था ये कोई इंडिया को नया संविधान नहीं दे रहा था नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा था एक्चुअली इस एक्ट के तहत बात की गई थी पार्टीशन की इंडिया की पार्टीशन की एंड बोला गया कि दो डोमिनियन जो है वो इस्टबलिश किया जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान इस एक्ट के तहत अब मेन प्रोविजन देख लेते हैं इस एक्ट में क्या आते हैं द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन फिफ्टी अगस्त 1947 इस एक्ट में कहा गया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो खत्म कर दिया जाएगा फिफ्टीन अगस्त 1947 से एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दो डोमिनियन जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे एक इंडिया एंड दूसरा पाकिस्तान द टू डोमिनियंस डोमिनिय गिवेन द राइट टू कम आउट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड जी ये दो डोमिनियन बनाए जाएंगे डोमिनियंस बनाए जाएंगे इनको पूरा अधिकार है कि ये डिसाइड करें कि उनको कॉमनवेल्थ में रहना है या नहीं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंट्रीज़ का ग्रुप है तो इंडिया ने अभी तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से एग्जिट नहीं किया है अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इंडिया जो है मैंबर है अब देखते हैं कि ये जो डोमिनियंस की बात हो रही है डोमिनियंस की बात हो रही है है क्या डोमिनियन है क्या डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है स्टेटस जिस कंट्री को दिया जाता है वो कंट्री अपना हर चीज़ मैनेज करती है एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स तो ऐसा अगर कोई कंट्री है जो अपना गवर्नमेंट खुद चला रहा है बट उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल है दूसरे किसी कंट्री का तो वैसा जो कंट्री है जो खुद गवर्नमेंट चला रहा है बट इट इज़ इन अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स तो वैसा जो कंट्री है वही डोमिनियन कहलाता है तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं दैट इट मींस ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्रीज आर मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन सिटीजन्स वो जो कंट्री है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ के सिटीजन्स ही मेंटेन कर रहे हैं तो सिटीजन्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं सरकार बना के एक्सेप्ट फॉरेन रिलेशन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन इन तीन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सारा कंट्रोल जो है वहाँ के सिटीजन्स खुद कर रहे हैं तो ऐसा कोई कंट्री है उसको ही हम डोमिनियन कहते हैं तो डोमिनियन का अगर मीनिंग देखें देन इट रेफर्स टू अ लैंड ओन बाई अदर बट विद द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन सरकार खुद की है बट वो एरिया जो है वो कंट्री जो है किसी और के अंडर में कंसिडर होगा तो वही जो स्टेटस है वो इंडिया एंड पाकिस्तान को मिला हुआ था सो कब से कब तक मिला हुआ था तो 15 अगस्त 1947 से लेके ट्वेंटी जनवरी 1950 तक मिला था क्यों 26 जनवरी 1950 तक मिला था क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमने क्या किया हमने अपना ख़ुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अडाप्ट किया एंड हमने उस समय क्या किया था तो रिप्लेस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कैसे क्योंकि बोला गया कि भारत जो है आज़ाद है फिफ्टीन अगस्त 1947 से तो जब तक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तो हम किस बेसिस पर रूल करेंगे किस बेसिस पर गवर्नमेंट काम करेगी कौन सा लॉर्डर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होगा तो बोला गया इस एक्ट के तहत कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन चल रहा था जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो हो रहे थे वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अभी भी फॉलो होंगे जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का बन तैयार नहीं होता ठीक है तो हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडोप्ट किया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसको रिप्लेस किया तो हमें ये याद रखना है इसमें कि डोमिनियन स्टेटस जो था इंडिया का वो फिफ्टीन अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ही था अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के डोमिनियन है अभी भी, अभी भी ब्रिटेन का तो सीधा आंसर है नो क्योंकि हमारे पास खुद का कंस्टिट्यूशन है और कंस्टिट्यूशन में हमने लिखा हुआ है कि हम सोवरेन हैं हमारे ऊपर किसी और का हक नहीं है हम अपने डिसीजन खुद लेंगे हम किसी और के प्रेशर में आके डिसीजन्स नहीं लेंगे तो इंडिया जो है अब ब्रिटेन का डोमिनियन नहीं है ये सिर्फ़ फिफ्टी अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक था उसके बाद बोला गया कि ये तो दो डोमिनियन क्रिएट किए जाएंगे इसका बाउंड्री कैसे डिटरमाइन किया जाएगा तो बाउंड्री डिटरमाइन करने के लिए बाउंड्री कमीशन बैठाई जाएगी एंड उसके जो हेड रहेंगे वो रेड रहेंगे तो रेड जो है वो एक बाउंड्री लाइन है जो इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट करती है सो so, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डिवाइड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो वो है रेड क्लिफ लाइन क्यों क्योंकि बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे वो रेड क्लिफ थे तो उनके नाम पे ही ये जो सेपरेशन बाउंड्री है उसका नाम रखा गया द एक्ट एबुलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड इट्स फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमन वेल्थ ये जो एक्ट है उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उस पोस्ट को एब्लिश किया एंड जो भी फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा था वो सारे फंक्शन अब किसके हाथ में दिए गए तो उस बंदे के हाथ में दिए गए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमन का रोल प्ले कर रहा था सो so, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया तो हमने क्या देखा था जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल सेलेक्ट करता था एंड वो गवर्नर जनरल इंडिया में आकर रूल करता था सो so, ये क्या था पहले प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो सेलेक्ट करता था गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल इंडिया में आके फिर सारी चीज़ों को मैनेज करता था कंट्रोल करता था सो ये रेड क्लिफ लाइन है जो इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री डिफाइन करती है इधर से पूरा पाकिस्तान का एरिया चालू हो जाता है एंड इस साइड आए तो इंडिया का एरिया चालू हो जाता है तो so, ये 1947 के टाइम में बोला गया था ये जो बांग्लादेश आज का टाइम पे है पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था एंड ये पाकिस्तान जिसे उस समय वेस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द डोमिनियंस इस एक्ट के तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाएगा एंड गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा तो गवर्नर जनरल को ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा बट कैसे अपॉइंट करेगा तो जो कैबिनेट है कंसर्न डोमिन के उनके एडवाइस पे मीन्स अगर इंडियन डोमिन के जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं वो अगर एडवाइस करें ब्रिटिश किंग को तो ब्रिटिश किंग फिर गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा इंडिया का उसी तरीके से पाकिस्तान के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जब एडवाइस करेंगे ब्रिटिश किंग को तो ब्रिटिश किंग फिर गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा पाकिस्तान के लिए ये चीज़ कही गई थी इस एक्ट में उसके बाद इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो ब्रिटिश किंग है वो अब इस टाइटल को नहीं रख सकते एम्पेयर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो अब नहीं रख सकते इसको अब ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया अब आजाद है फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी से ना नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट कोड बी एक्सटेंडेड टू एनी डोमिनियन अनलेस इट वॉज एडेप्टड बाई द लेजिस्चर ऑफ़ द रिस्पेक्टिव कंट्री एज पार्ट ऑफ इट्स लॉ एंड बोला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट पास करती है डोमिनियस के लिए मीन्स अब दो डोमिनियन बन गए एक हो गया पाकिस्तान एंड दूसरा जो डोमिनियन हो गया वो इंडिया सो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट इन डोमिनियंस के लिए कोई रूल बनाती है कोई लॉ बनाती है तो पाकिस्तान एंड इंडिया उसको रिजेक्ट कर सकते हैं बट अगर उसको एडप्ट करना चाहेगी तो जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का लेजिस्लेचर जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रूल बना के भेजा है वो फॉलो करना है कि नहीं करना है एंड उसे अपने कंट्री का पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना उसी तरीके से इंडिया जो है इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का द्वारा बना के जो भेजा गया जो एक्ट है जो रूल है उसे फॉलो करना है कि नहीं करना है सो so, ये फ्रीडम जो है लेजिस्लेचर के ऊपर दी गई लेजिस्लेचर अब डिसाइड कर पाएंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल ऑफ फॉलो करवाना है अपनी कंट्री में या नहीं करवाना है टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बाई इज डोमियन ऑल द प्रोविसेस वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव बोला गया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक जो प्रोविंसेस हैं उनकी देखभाल उनके ऊपर राज्यकार जो है कि किसके तहत चलाया जाएगा कौन से प्रोविजन के तहत चलाएगा तो बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी के अंडर में ये सारे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाए जाएंगे द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट सीज्ड एंड दे वे फ्री टू ज्वाइन आई द इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट बोला गया कि जो ब्रिटिश क्राउन का जो कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट पे वो खत्म है एंड अब प्रिंसली स्टेट जो हैं वो फ्री हैं कि वो या तो इंडिया में ज्वाइन हो जाएं या पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाएं या खुद वो फ्री रहें ये चीज़ कही गई थी इस एक्ट में दो सिविल सर्वेंट्स हु हैड बीन अपॉइंटेड बिफोर फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन विल कंटिन्यू इन सर्विस विद सेम प्रिविलेज एंड बोला गया कि जो भी सिविल सर्वेंट्स जिनका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ है वो अपनी सर्विस जो है कंटिन्यू करेंगे एंड उनको वो सारे प्रिवेज मिलेंगे जो पहले मिलते थे बट आफ्टर फिफ्टी अगस्त नाइनटीन नो मोर अपॉइंटमेंट्स बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो भी करना है या तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो करेगी या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करेगी अपने अपने डोमिनियंस के लिए अपने अपने कंट्री के लिए तो अब थोड़ा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं तो इंडिया के बारे में लॉर्ड माउंट बेटन जो हैं वो लास्ट वाइस रॉय बने एंड वाज आस्क द इंडियन लीडर्स टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था लॉर्ड माउंट बेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था लॉर्ड माउंट बेटन ओके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंट बेटन एंड अगर फर्स्ट इंडियन के बारे में बोलते हैं तो सी राजगोपालाचारी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के देन जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर बने अब पाकिस्तान के बारे में देख लेते तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे पाकिस्तान के ही वॉज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो क्या बने थे तो वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे एंड लियाकत अली खान जो थे वो बने थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो ये मोहम्मद अली जिन्ना वाला जो क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन जी ने पूछा के के अंदर तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्योंकि पूछा गया था दैट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान कौन था तो ऑप्शन में लॉर्ड माउंट बेटन भी चल रहा था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि पहला जो ये गवर्नर जनरल था वो दोनों कंट्रीज़ के लिए कहीं सेम तो नहीं था तो नहीं था पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान था वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड फोटी सेवन आई होप कि आपको ये वीडियोज पसंद आए हों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए एंड ये ऐसा आप करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी पता चलता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं एंड अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए जो मेजोरिटी लोग सजेशन देंगे जिस बात पे उसी को मैं फॉलो करने so, की कोशिश करूंगा सो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ टेक केयर बाय थैंक यू